इंदौर की विधानसभा राव नगर परिषद में पिछले 5 वर्षों में निर्दलीय पार्षद द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया। राव नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 की पटेल मोहल्ला के रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। जब केकेडी न्यूज चैनल की टीम वार्ड में रहवासियों के बीच पहुंची तो रहवासियों ने सारी हकीकत बताई कि हम कई सालों से यहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जैसे कि सड़क और नाली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राव नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 के रहवासियों ने बताया कि यहां से कई कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं और हमारे मोहल्ले की रोड जर्जर हालत में है, साथ ही नाली भी नहीं है, बारिश में यहां से निकलना मुश्किल होता है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा नगर परिषद में कई बार की गई और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। जब मीडिया की टीम मोहल्ले में रहवासियों से रूबरू हुई तो रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और पार्षद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव नजदीक है, इसी तरह से राव नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में विकास कार्य न होने से स्थानीय लोगों में भयंकर आक्रोश देखा जा सकता है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए इंदौर से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। हाँ, विकास कार्य के नाम पे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, केवल एक केबल डाली है ये हटके, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे क्षेत्र के विकास के चक्कर में हमारे यहाँ पे जरूर खोद के चले गए हैं, है ना, और पूरी दूसरी कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन के चक्कर में हमारे यहाँ पूरा खोद दिया है, नर्मदा लाइन के लिए पूरा खोद दिया है, लेकिन कोई पैच वर्क ढंग से नहीं हुआ, कुछ नहीं, रोड पूरी तरीके से खुदी हुई, रोड के ऊपर आगे की साइड के जो मकान है वो इलीगली इधर की साइड बड़े हुए हैं, तो हमारी रोड भी सकड़ी हो गई है। पीछे जो नाली है वो पूरी तरीके से टूटी हुई, उसकी सफाई महीने में एक या दो बार होती है, वो कचरा वहीं रहता है, वो वापस दूसरे दिन नाली में चला जाता है। हाँ, मैंने इसकी शिकायत लिखित में शिकायत करी, मैंने पूरी कॉलोनी की साइन करके ले गई थी, वो दिया। इसके अलावा मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की थी, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की, उन लोगों ने उन पर प्रेशर डाला, दो बार अपग्रेड करवाई, उन लोगों पे प्रेशर डाला, तो इन लोगों ने मुझे बोला कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए, हम काम करवा देंगे। मैंने कहा आप काम करवा दीजिए, मैं कंप्लेन वापस ले, तो मुझे प्रेशर डालने लगे, अगर आप हमारे को सहयोग करेंगे तो हम आपको सहयोग करेंगे। ऐसा किसने बोला था? ऐसा मुझे वहीं से फ़ोन आया था, जो ठेकेदार है रोड का, शायद उसी का फ़ोन था शायद से। क्या फ़ोन आया था? कि आप हमको सहयोग करो, हम भी आपको सहयोग करेंगे। मैंने कहा मुझे विश्वास दो आप, तो मैं कंप्लेन वापस लेती हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा। सड़क नहीं बनी है, सड़क